अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? फूड लवर्स में खुश आमदीद। सब ठीक ठाक होंगे और जहाँ होंगे वो खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आपको सबको पता है कि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और बड़े ज़ोर शोर से स्टार्ट हो चुकी हैं, और सर्दियों की एक कुछ स्पेशल सब्ज़ियाँ होती हैं जो बहुत पसंद होती हैं मेजॉरिटी लोगों को। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती चलूँ कि हमारे पास क्या क्या मौजूद है इस वक्त। आलू हैं, मुंगरे हैं, ये मुंगरे में वाइट वाइट आपको बर्फ़ नज़र आ रही है क्योंकि मैं मुंगरे धो के फ्रीज़ कर देती हूँ। हाँ जी, ये देखिए, ये मुंगरे मैंने तोड़ के रख लिए हुए हैं। आलू हैं, मुंगरे हैं, प्याज है, टमाटर है, इसमें हमने लहसुन की जवे ले लेने हैं, लेमन लेमन का यूज़ मैं आपको एंड पे बताऊँगी, और दो हरी मिर्चें। इसके अलावा नमक, हल्दी और मिर्च, बस इतने से मसाले इसमें डालेंगे। तो और ये घी है, मैं घी में खाना बनाती हूँ और घी में बहुत मज़े का खाना बनता है। अलमराई का घी मैं यूज़ करती हूँ। सबसे पहले हम ये प्याज काट लेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा कुतरा आपने नहीं करना। ये देखें, प्याज कट गया। एक कढ़ाई ले ली, कढ़ाई में हमने घी डाल दिया और घी को आपने गर्म कर लेना है अच्छे तरीके से। ये देखें, घी जब तक मेल्ट हो रहा है तब तक हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरे का भी एक बहुत ही मज़े का अपना एक फ्लेवर होता है। ये देखें, घी पूरा मेल्ट हो गया, हमने थोड़ा सा चम्मच चलाया और अब हम इसमें ये वाला प्याज ऐड कर देंगे जो हमने काट के रखा था। मैं इंग्रेडिएंट्स साथ साथ काटती हूँ, मुझे बड़ा आसान लगता है, खाना भी झटपट बन जाता है। हाँ जी, उधर हम काट लेते हैं लहसुन। लहसुन काट के हम उस प्याज़ों में डाल देंगे जो हमने ऊपर रखे हैं गोल्डन ब्राउन होने के लिए। ये देखिए जी, लहसुन को इसी तरीके से कुतरा कर लेना है आपने छुरी के साथ, ग्राइंड नहीं करना, छुरी के साथ कुतरना है इसको आपने। लहसुन कट गया, इसके बाद हम हरी मिर्च काट लेते हैं। लहसुन को हमने प्याज़ों में ऐड कर दिया है जो हमने प्याज गोल्डन ब्राउन होने के लिए रखे थे चूल्हे पे। देखिए, मिर्चें भी कट गई। ये देखिए कितने मज़े का प्याज भुन रहा है और बड़ा अच्छा सा कलर आ रहा है इसमें, लहसुन में और प्याज़ों में। ये हरी मिर्च हमने काट ली है और जब प्याज ज़रा सा हमें लगता है कि गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे। देखिए, प्याज़ों का रंग बड़ा प्यारा सा हो गया है, इसमें अब हरी मिर्च चली गई। इतने मज़े की खुशबू आती है जब हरी मिर्च आप डालते हैं ऑयल के अंदर। साथ साथ हम एक टमाटर भी काट लेते हैं। जब तक प्याज, हरी मिर्चें और लहसुन का फ्लेवर निकल रहा है ऑयल के अंदर। ये देखिए जी, टमाटर भी कट गया हमारा झटपट। यहाँ ये मसाला भुन रहा है, इसमें हम टमाटर ऐड कर देते हैं। देखिए, टमाटर भुन गया। अच्छा जी, अब इसको हिलाएंगे अच्छे तरीके से और इसमें हम बाकी के मसाला ज़्यादा ऐड कर देंगे। इसमें हम डालेंगे नमक, 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया। इसमें हम डालेंगे हल्दी, हसबे ज़रूरत, हल्दी बहुत फ़ायदेमंद होती है। हल्दी का काम, हल्दी जिनमें खून की कमी है जिन लोगों में, वो हल्दी अगर थोड़ी सी ज़्यादा खानी शुरू कर देंगे खाने में तो उससे खून की कमी पूरी होती है। लाल पिसी हुई मिर्च डाल देते हैं। बस इतने से मसाले इसमें डालेंगे। ये देखें, इसको मिला लिया अच्छे तरीके से। उसमें थोड़ा सा पानी हम ऐड करते जाएंगे ताकि मसाला नीचे ना लगे। थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड करूँगी, थोड़ा सा बिल्कुल। ये देखें, बस मसाला भूनने के लिए इस तरीके से, बस मसाले को आपने थोड़ा सा भूनना है। मसाला वैसे जितना अच्छा भुनेगा उतना मज़े का सालन पकता है। इसको आपने 5-6 मिनट भूनना है मसाले को ज़रा। उसके साथ साथ हम यहाँ पे आलू काट लेते हैं। देखिए जी, आलू के आपने बड़े बड़े क्यूब्स काटने हैं, बड़े बड़े क्यूब्स बहुत मज़े के लगते हैं और वो गलते भी बड़े अच्छे हैं और बड़े जल्दी गल जाते हैं बड़े क्यूब्स आलू के। अब इस मसाला, ये देखें, बड़ा अच्छा सा भुन गया है मसाला। इसमें हम आलू डाल देंगे।
ये आलू डल गए। बस इनको आपने 3 से 4 मिनट भूनना है आलूओं को इस मसाले के अंदर, और साथ ही हमने इसमें मुंगरे ऐड कर लेने हैं। ये देखिए जी, साथ ही हम इसके मुंगरे ऐड कर देंगे जो मैंने धो के फ्रीज़ किए हुए थे। कितना अच्छा कलर मुंगरों का लग रहा है, बिल्कुल जी। ये देखें, मुंगरे इसमें डाल दिए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ गया है मुंगरों का, ग्रीन ग्रीन बिल्कुल फ्रेश। और अब ये जो लेमन मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था, ये लेमन आप इस पकते हुए सालन के अंदर थोड़ा सा स्क्वीज़ कर दें इस तरीके से, तो मुंगरों की जो स्मेल फैल जाती है ना पूरे घर में, वो नहीं फैलेगी इससे। बहुत बड़ा फ़ायदा है इसका, और बड़े ही मज़े का फ्लेवर आएगा खाने के अंदर, तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्योंकि मेजॉरिटी ऐसा होता है, हम गोभी बनाते हैं, मूली बनाते हैं या मुंगरे बनाते हैं, तो बड़ी बुरी सी एक स्मेल फैल जाती है पूरे घर में, तो वो स्मेल बिल्कुल नहीं फैलेगी और इसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का बनेगा। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार सा सालन हमारा तैयार हो चुका है आलू मुंगरे का। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सारे घर के मसाले हैं इसमें, कोई मैंने एक्स्ट्रा मसाला ऐड नहीं किया। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी मेरी रेसिपी, बहुत ही आसान, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। लेमन का मैंने इसमें एडिशन किया है क्योंकि उससे इसकी स्मेल नहीं फैलेगी पूरे घर में। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे बहुत ही मज़ेदार सी मज़ीद रेसिपीज़ आने वाली हैं आपके लिए। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी मेरी रेसिपी। चलें जी, अपना बिल्कुल ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।